लेकिन सत्ता के नेता नहीं है, सत्ता से नाराजगी है किसानों के मुद्दे को लेकर। पर सवाल ये कि किसानों की ये जो नाराजगी है वो किसके पक्ष में जाएगी? किसानों की ये नाराजगी अगर बीजेपी से नाराजगी है तो फायदा क्या समाजवादी पार्टी का होगा या कांग्रेस वोट बटोर ले जाएगी? बड़ी सीधी सी बात है कि जनता नैरेटिव देखती, जनता ये देख रही है कि इस गुस्से, क्योंकि ये चुनाव, मेरा अपना मानना है कि ये चुनाव बदल चुका है कि भाजपा रहे या भाजपा जाए, और कौन हटा रहा है। तो जो समाजवादी पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो पीछे 5 साल का जो डेवलपमेंटल एजेंडा रहा है, मुझे लग रहा है कि एक वो वायबल विकल्प दिखाई पड़ रहे हैं। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई अगर है तो वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। मतलब अगर कोई बीजेपी से नाराज है तो विकल्प उसको समाजवादी पार्टी दिख रही है, मतलब कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं लड़ाई में। आप लोग खाना पूर्ति कर रहे हैं यूपी चुनाव में, ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी जा रही है। पूरे टाइम आप देख लीजिए, पूरे विपक्ष की भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो प्रियंका गांधी जी निभाई है। चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे छात्रों का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं के उत्पीड़न का मुद्दा हो, या आप लखीमपुर में जो तिकोनिया कांड की बात कर रही है, वहां पर भी सबसे पहले मूवमेंट प्रियंका गांधी जी ने किया। ये बात तो बड़ी वाजिब है, आपके नेता सो रहे थे क्या सर? सबसे पहले तो प्रियंका गांधी वहां पर पहुंचती हैं। उत्तर प्रदेश में जमीन पर अगर विपक्ष की तरफ से कोई नेता नजर आता है तो वो सिर्फ प्रियंका गांधी। अखिलेश यादव कहां होते हैं? अखिलेश यादव जी भी आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए, और सबसे पहले लेकिन देर से जागते हैं, नींद देर से खुलती है। एक मिनट, जिस समय ये कांड हुआ है पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी की टीम उसी समय जब घटना रौंदने वाली गई है सारे के सारे साथी वहां पहुंच चुके थे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।